मजिस्ट्रेट्स तैनात किए हुए हैं, पोलिंग पार्टीज की जो ट्रेनिंग है वो उसमें इजाफा हो गया है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये जो आज का इस पहला पूरी तरह से इसको शफाफ और ट्रांसपेरेंट तरीके से का हम उससे भी आगे बढ़कर जाएंगे और यहाँ पर किसी भी किस्म का, लेकिन साथ ही मुझे ये भी उम्मीद है कि अगर कोई भी हमारी तरफ से कोई कमी पेशी होगी उसको आप अपनी इंस्ट्रक्शन से पूरी। गेस्ट यहाँ पर है, उनका वालेहाना इस्तकबाल करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सोनावारी 15 बांडीपोरा और 16 ग्रेस, जहाँ पर हमारे वोटरों की तादाद कुल 2,59,000 है और 312 हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं। के लिए हमने सेक्टर जोनर में प्रेजेंट हियर द कॉफी टेबल ग्रुप फॉर जीएलएस 2024 विद बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। स्वीप टीम एंड डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस बांडीपोरा इलेक्शन टीम, स्वीप टीम की तरफ से आयोजित इलेक्शन अवेयरनेस फंक्शन में उपस्थित जिले के तरक्याती कमिश्नर मंजूर अहमद कादरी साहब, जिले के एसएसपी साहब हरमित सिंह जी, जनरल ऑब्जर्वर, पुलिस ऑब्जर्वर और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स। पिछले तकरीबन 4 साल से जो है सीज फायर है, लोकसभा इलेक्शंस पीसफुल हो गए, मुझे नहीं लगता कहीं उसमें जो है दखलंदाजी इसी साइड से की जाएगी। स्टिल हमारे जो है प्लान भी हमने तैयार रखा हुआ है। मेन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इलेक्शंस जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी सालों के बाद हो रहे, लोकसभा इलेक्शंस में बढ़ चढ़ करके लोगों ने हिस्सा लिया था, कोई भी इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ था कि जिससे कि लोगों में डर या खौफ का माहौल लोकसभा के दरमियान था, वैसा ही या उससे भी अच्छा माहौल जो है अब विधानसभा इलेक्शंस जो हो रहे उसमें देखा जा रहा है। कैंडिडेट बांदीपुर में डिप्टी कमिश्नर साहब ने बताया कि सबसे हाईएस्ट कैंडिडेट जो है बांदीपुर और सुंबल सोनावरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहां की उसे चलते उनको दो दो बीयूज लगाने पड़े, तो कैंडिडेट का भी भरपूर उसमें सहयोग है, पार्टिसिपेशन है, लोग भी यहां जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने के आसार है। गुरेज तुलेल का मैं दौरा करके आया हूँ, उस एरिया में भी काफ़ी लोगों में उत्साह है। आज यहाँ फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जो स्वीप का प्रोग्राम हुआ, वोटर एजुकेशन का जो प्रोग्राम हुआ, लोगों ने काफ़ी शिरकत की उसमें, स्कूली बच्चों ने भी उसमें शिरकत की और आपने अलग अलग तरीक़ेकार से मैसेज देने का प्रयास किया कि वोट करना क्यों इम्पोर्टेंट है। वोट त्राव का जो नारा है लोगों में जो है काफ़ी गूंजने लगा है और मुझे लगता है कि इसका परिणाम हमें 1 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। क्या कुछ एक्सपेक्टेशन पोल परसेंटेज कैसे रहेगी? पोल परसेंटेज डेफिनेटली बांदीपुर में जो है बढ़ चढ़ करके रहता है, तीनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में अच्छा रहेगा, लोकसभा इलेक्शंस में जो रहा था उससे बेटर पोल परसेंटेज जो है हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब को भरोसा है कि वो रहेगा। डिपार्टमेंट का अफसर हूँ, मुझे अपने कुछ लिमिटेशंस रहते हैं, आप समझ जाते हैं। ओवरऑल सिचुएशन जो है इम्प्रूवड है और उसमें हमारे फोर्सेस, लोकल पुलिस और बाकी इनका जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है, लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि लोग अगर नहीं मानेंगे कि नहीं आम जो है अच्छी सिचुएशंस है तो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो मुझे लगता है कि वोटर्स, आम जनता जो बढ़ चढ़ करके जो है अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में जो भी नॉर्मल तौर पर काम कर रही है उसी तौर पर जो उन्होंने लोकसभा इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, विधानसभा इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करने की पूरी अपेक्षा है। साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई रिक्शा, अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, USB चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ, जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान, पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत अलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफ टॉप कैरियर व गर्मी से बचाव के लिए रूफ मैट, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा, चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में।
इस वीडियो को देखकर आने वालों को मिलेगा 5100 रुपए का कैश डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई रिक्शा। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बुहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191-255-4360-255-4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।